नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कन्हैया कुमार के इंटरव्यू और डिबेट के दौरान कुछ धमाकेदार लम्हे, जिसे सुनकर ईमानदार पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता शब्दहीन रह गए। भीड़ पेशे से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग होनी बंद हो गई है। तो आप लोगों से मेरी भी ये उम्मीद है और आपके जो दर्शक हैं उनकी भी उम्मीद होगी कि आप सब सवाल जो है थोड़ी गंभीरता से और ऐसी बात जिससे लोगों का सरोकार हो ये पूछें। कांग्रेस में हम आए हैं, क्यों आए हैं, इस पे हम 100 बार बोल चुके हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि राइट है, राइट कैसे है, मुझे ये समझाइए कैसे आप कांग्रेस को राइट। विचारधारा की बात होती है, लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं क्या सोच होती है वही, मतलब कहते हैं कि वो लोग जो है कि नास्तिक सोच के रहते हैं, देश के प्रति सोच उनकी कम रहती है, या फिर वो लोग देश के प्रति उनकी सोच कम होती है। जी, जैसे आपके ऊपर इल्जाम भी लगता है कि आपने जो है कि कई बार जो है कि मैं बोल दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैं, ये गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना, कैसे आप ये बोले? नहीं, मैं इनसे पहले मैं सवाल नहीं मुद्दे पे नहीं, पहले इनसे ऐसे कैसे बोले आप? राइट की बात आती है। नहीं तो आप कैसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है? भगत सिंह देश की बात नहीं कहा। अच्छा ठीक है, भगत सिंह भगत सिंह पे आप इल्जाम लगाए नहीं, वही बोलिए। भगत सिंह कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? सर मैं वो जो सवाल करें, मैं भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा, मैं आप ही सवाल नहीं। अरे क्यों नहीं सवाल? जेएनयू के मामले में जब आपकी बात, अरे आप अभी तक जेएनयू में, जेएनयू 2018 में छोड़ लेंगे सर। नहीं, आप मुझे ये पहले बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, तो भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? अच्छा, लोग सोचते हैं, कहते हैं उनके कौन लोग हैं, उनके देश के खिलाफ होती है, कौन है, कौन लोग ऐसे हैं? अब तो सर ये बताया जाता है, आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको हम बता देते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए हैं, हम समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान हैं, और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे ही हवा हवा में उड़ता सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए। अगली वीडियो में कन्हैया कुमार विस्तार में बताते हैं कि क्यों आज के समय में पत्रकार चापलूसी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको नियो लिबरल रिफॉर्म कहा गया, कितना अच्छा शब्द है, मैंने लिबरलिज्म शब्द की पूरी गरिमा बदल दी गई। जैसे नहीं चोर अपने आप को चौकीदार कहने लगा, अब चौकीदार शब्द की गरिमा ही बदल गई है। तो ये जो नियो लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म क्या है? नियो लिबरलिज्म यही है कि भेड़ों को यह कहा जाता है कि आप भेड़ियों के प्रति लिबरल हो जाइए, इंप्लॉय को और लेबर को यह कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट के प्रति लिबरल हो जाइए, यही लिबरलिज्म है। लेबर लॉज को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, एक भी राज्य में जो है वो वेज कमीशन नहीं है पत्रकारों के लिए। यहां पे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लोग वेज कमीशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वेज कमीशन नहीं है, पत्रकारों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, एक स्टोरी के पीछे उनको भगा दिया गया है, चाहे वो स्टोरी करने में उनको 12 घंटा लगे 15 घंटा लगे, उनको स्टोरी कर करके लाना है। ऐसे जब हालात बनाए गए हैं तो पत्रकार को भी लगता है कि पत्रकारिता करने से तो अच्छा है कि चापलूसी कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। लोग चापलूसी करके इस देश में राज्यसभा का मेंबर बन जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बन जा रहे हैं, लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पत्रकारिता करना ही बहुत मुश्किल हो गया है, फिर भी यदि कोई करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है गौरी लंकेश की तरह, उसको पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा की तरह नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि जब लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कन्हैया कुमार के देश प्रेम पर सवाल उठाया तो कैसे राम कदम को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तो देश का रंग है, आप तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते, भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बात। अच्छा एक बात देखिए, नहीं कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा आ जाएगा उसका भी नाम भारत माँ की माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। रामकरण जी का टिप्पणी नहीं, रामकरण जी सुनिए, आप सुनिए, अब आप क्या है, ऐसा है अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए आप, अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी महाराष्ट्र है, सुनिए ये भारतीय होता, पहला भारतीय होता है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, 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 तो ना। यही सवाल हमसे पूछे थे
और उनको हम जवाब दिए थे, जवाब जानते हैं क्या दिए थे, कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है, ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है, ये सब ना तुतु मैमै नहीं कीजिए मेरे साथ। तुतु मैमै का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा भूल लीजिए, आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, दस सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं, दस सेकंड सर। वो उधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कही, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब कब गांधी बोलिए ना हरा कहा, हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेकर बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, काय नहीं बोल रहे हैं, राम कल्याण सस्पेंड हो जाइएगा उसी पॉइंट। अगली वीडियो में कन्हैया कुमार विस्तार में धर्म और धर्मवाद के बीच का अंतर समझाते हैं और बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बताते हैं। बाघ वाले में फंस गए, सांप का बच्चा भी सांप होता है, आप क्यों नहीं समझते? सांप का बच्चा भी अगर काट लेगा ना तो जहर होगा और मर जाएगा। ये सॉफ्ट टू हार्ड क्या होता है, ये डिफरेंस लोग क्यों समझने को तैयार नहीं है? हिंदू होना एक चीज है, ठीक है, जैसे आप मर्द हैं, मर्दवादी नहीं होना, क्या फर्क है मर्द होने और मर्दवादी होने में? मर्द होना आपका बायोलॉजिकल चीज है, मर्दवादी होना ये सोशल चीज है, ये पॉलिटिकल चीज है। मर्दवादी होने में क्या होता है कि नहीं, घर में पहले खाना मर्द को मिलेगा, सारा डिसीजन मर्द लेंगे, ये मर्दवादी होना है, मर्द होना ही बायोलॉजिकल चीज। उसी तरीके से इस देश में जब आप पैदा लेंगे तो कोई ना कोई आपका धर्म होगा, कोई ना कोई जो है आपकी जाति होगी। आपने एप्लीकेशन दिया था क्या ऊपर? एप्लीकेशन दिया था क्या कि आप क्या होंगे? अरे आपके जो माँ बाप थे वो आप हो गए। जैसे मैं एक जाति में पैदा हुआ वो मेरी एक रियलिटी है, लेकिन मैं जातिवादी हूँ ये तो हमारे प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा ना। उसी तरीके से आप एक धर्म में पैदा हुए हैं वो आपकी एक रियलिटी है, लेकिन उस धर्म के आधार पर ही आप सारी चीजें करते हैं ये तो दूसरी बात है ना। आज जो ये भ्रम पैदा किया गया है उस भ्रम को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भ्रम साफ करना क्यों जरूरी है? वो भ्रम साफ करना इसलिए जरूरी है कि ये बिल्कुल अंग्रेजों वाली साजिश है। अंग्रेज क्या करते थे, जब देश के लोग इकट्ठा हो रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाया और गाय का मांस मंदिरों में फिकवाया, ये मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? और खून डालो राज करो के तहत 200 साल तक हमारे ऊपर गुलामी की। वही अंग्रेजों से ये बुद्धि सीख ली है, क्योंकि ये आजादी के वक्त अंग्रेजों से लड़ नहीं रहे थे, उस वक्त भी चाय पे चर्चा कर रहे थे गवर्नर के साथ बैठ कर, तो ये बुद्धि उन्होंने उनसे सीख ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।